हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे कल के वो मैच के बारे में फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स हुआ था मैच आरसीबी वर्सेस एसआरएच के बीच। दोनों ही मैच की बात करें तो लास्ट के मैच में जो अभी लेटेस्ट खबर आई थी उसके अनुसार कल का मैच जो है आरसीबी 4 विकेट से हार चुकी थी मैच। फ्रेंड्स एसआरएच ने 4 रन से मैच जीत लिया, वहीं उन्होंने सीरीज में लास्ट में ही रहेंगे। बट आरसीबी को तीसरे पायदान पे किसका दिया है, वहीं तीसरे पायदान से वह चौथे पे भी आ सकती है। अगर मुंबई इस मैच को जीत कर आज फाइनल में प्लेऑफ में जगह बनाती है तो फ्रेंड्स, और आपने देखा होगा कल के मैच में डेविड डिविलियर्स ने कुछ छक्के लगाए थे बट वो पारी को नहीं संभाल पाए। जेसन रॉय ने वहीं 42 रन की पारी खेली थी, उम्दा पारी खेली थी वहीं। और डेविड डिविलियर्स विराट कोहली ने अच्छा खेला बट वो अपनी यहाँ जीत नहीं दिला सके और 4 रन से एसआरएच टीम जीत चुकी थी। फ्रेंड्स दोनों ही टीम की प्लेइंग 11 की बात करें, दोनों ही टीम की प्लेइंग 11 स्टेबल है। दोनों ही टीम में नए कुछ चेंजेस करे जा सकते हैं और कुछ नई प्लेऑफ की सिनारियो को बताया जा सकता है। हमेशा की तरह अगर आप देख रहे हैं हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल पर आपको हर तरह की न्यूज़ मिलती रहेगी मैच रिगार्डिंग। और जैसे कि आपको बता दें कि अगले मैच की भी हमारी वीडियो पर लाइव स्ट्रीमिंग ऑन है। अगर आप लाइव स्ट्रीम पे ज्वाइन करते हैं तो हम आपको मैच को पूरा लुक उठाएंगे, वो भी आप बिना हॉट स्टार के हमारे चैनल पे पूरा वीडियो देख सकते हैं। लाइव दिखेगा, यूट्यूब पे नहीं दिखेगा तो क्या, किस पे दिखाओगे? हम आपको यूट्यूब पे पूरा लाइव वीडियो दिखाएंगे। और फ्रेंड आज के मैच की बात करें तो आज CSK का मैच हो सकता है शायद, और वह प्लेऑफ में फर्स्ट स्थान के लिए मैच खेलेगी। उनको लगता है कि वह जीत सकते हैं पर मुझे लगता है कि कल का मैच बहुत ही रोमांचक हुआ था। अगर कोई भी टीम, दोनों ही टीमें अच्छी खेली थी बट कुछ ऐसा होना चाहिए था कि अगर एक टीम विन कर रही है तो एक टीम को हम ओपनली फाइट करा दे सकते हैं। हाँ, कुछ ऐसा भी बोल सकते हैं कि कल का मैच हुआ था जो उसमें जो SRH टीम थी वो कुछ अच्छा प्रदर्शन किया जो कि उन्होंने उस बाकी मैचों में नहीं कर सके थे। कल के मैच उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था और वहीं RCB को मैच उनके ही घर में मात दे दी। आबू धाबी का स्टेडियम था और RCB टीम इस बार प्लेऑफ में जगह बना चुकी है। क्या ये टीम जीत कर खिताब पर हासिल करेगी, देखा जाएगा। हमारे चैनल पर हम आपको ये भी बताएंगे कि कल के मैच में किस से किसकी फाइट हो चुकी थी फ्रेंड। और कल के मैच में हर्षल पटेल जो बहुत ही उम्दा गेंदबाज है, जो इस सीज़न में हैट्रिक भी ले चुके हैं और पर्पल कैप के होल्डर हैं, उनकी फाइट हो चुकी थी आरसीबी प्लेयर के हर्षल पटेल की फाइट हो चुकी थी प्रियम गर्ग के साथ, जिन्होंने उनकी गेंद पर एक छक्का लगा दिया था। उसके बाद उनके बीच कुछ कहासुनी हुई और दोनों उस पारी के बीच में ही कुछ ऐसा हो गया कि दोनों में आपसी विवाद हो चुका था, लड़ाई सी होने लगी, गाली गलौज भी देने लगे थे वो लोग। बट एमएस धोनी अगर होते तो ये नहीं होता, बट फिर भी विराट कोहली ने उनको थोड़ा स्टेबल कराया, उन्होंने उस बात को वहीं पे ट्वीट कराया और ज़्यादा बात को आगे नहीं बढ़ने दिया, जिसके बाद मैच स्टार्ट कराया गया। मैच स्टार्ट होते ही हर्षल पटेल ने एक के बाद एक 2 विकेट लिए और उन्होंने फिर अगली पारी में जो SRH टीम ने खेल दिखाया वो अलग था।